नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस मालाखेड़ा में। मैं हूं विनय और जनरल साइंस का आज पार्ट थ्री वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें हमने मात्रक और विमाएं पढ़ी थी। आज हम फिजिक्स का ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका गति, जिसे कहते हैं मोशन, भाई इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो आज हम गति के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि गति आखिर कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने गति को परिभाषित किया, इसकी मात्रक विमाएं क्या क्या हैं, और यहां से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं गति की, तो सबसे पहले हम कहते हैं भाई कोई भी वस्तु जो अपना स्थान बदलती है, वही हम कह देते हैं कि क्या कर रही है वो। बिल्कुल सही, वो गति कर रही है। लेकिन केवल स्थान परिवर्तन ही गति नहीं होता भाई, किसी वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन, यानी यहां आपको दो चीजें पढ़नी होती हैं। पहली तो आपको समय और दूसरा है स्थान। यानी अगर आप किसी वस्तु के लिए ये कहना चाहते हैं कि कोई वस्तु स्थान में परिवर्तन कर रही है और समय के सापेक्ष परिवर्तन कर रही है, तो 100% वो वस्तु किसमें है भाई, गतिशील अवस्था में है। यानी उसके अंदर कोई ना कोई मोशन जरूर है। तो इसी की चर्चा हम करेंगे। तो आज आपको एक छोटी सी परिभाषा तो पता चली कि भाई गति का तात्पर्य है जब भी कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल भी फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बस है भाई, कोई बस है, वो 5:10 पर, 5:10 पर अपने बिंदु ए से चलना प्रारंभ होती है। यानी बिंदु ए से 5:10 पर कोई बस चली और मैंने देखा कि भाई 6:10, कितने घंटे हो गए, 1 घंटा समय अंतराल हो गया भाई आपका, 1 घंटा, 1 आवर। तो आपके पास समय अंतराल तो आ गया है। अब मैं बात करता हूं स्थान की। तो पहले तो आपका स्थान था ए, यानी बस ने स्थान ए से चलना प्रारंभ किया और कहां तक चली है भाई, स्थान बी तक पहुंच गई। ये आपकी बस है भाई, ए पे थी और अब कहां पहुंच गई, बिंदु बी पर पहुंच गई। तो हमने 1 घंटे बाद जब देखा कि बस ने अपना स्थान परिवर्तन किया है, तो हमने कहा कि वस्तु या बस 100% किसमें है भाई, गति में है। तभी तो समय के सापेक्ष, देखो समय बढ़ा या घटा, घट तो नहीं सकता, बढ़ ही सकता है। तो जैसे ही समय में वृद्धि हुई, समय अंतराल आपको मिला 1 घंटा, तो निश्चित समय अंतराल में किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन, भाई पहले ए था स्थान, अब स्थान हो गया बी और समय अंतराल में हुआ है। अगर मान लीजिए ये 5:10 होता और 5:10 से ही मैं देखता, तो समय में कोई अंतर आता ही नहीं, ऐसी स्थिति में गति का महत्व समाप्त हो जाता है। तो जब भी गति की बात करें, दो चीजें ले, पहला तो उसके स्थान में परिवर्तन होना चाहिए, दूसरा समय के सापेक्ष होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वस्तु कैसी है भाई, गतिशील है, वस्तु गति कर रही है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हुई गति की नॉर्मल बातें भाई। अब देखो जब भी हम गति की बातें करते हैं, तो गति के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही, गति के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। देखो भाई गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार की गति हो सकती है। अगर आप नॉर्मली बात करें तो आपके पास 2 प्रकार की गति होती हैं। जैसे या तो हो सकता है कि कोई वस्तु सजीव है और वो गति कर रही है, जैसे कि हम सब गति करते हैं, पेड़ पौधे गति करते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, तो वो भी गतियां हैं। लेकिन क्या कोई निर्जीव वस्तु भी गति कर सकती है, जी हाँ, निर्जीव वस्तुएं भी गति करती हैं। कैसे सर, हमने तो नहीं देखा। अरे भाई ये जो बस थी ये निर्जीव ही थी और इसने गति की, तो इसका मतलब इसने दूसरे के सापेक्ष गति करी है, खुद ने तो गति नहीं की ना अपने आप ही, स्वतः ही। तो गतियां वास्तव में जीवों के हिसाब से 2 प्रकार की हो सकती हैं। जो सजीव होते हैं वो स्वेच्छ गति करते हैं, अपनी इच्छा से जा सकते हैं, आ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो किसी के साथ जाती हैं, यानी आप उठाकर ले जाओ, मैं उठाकर ले जाऊं, किसी वस्तु दूसरी वस्तु के सहारे चली जाए, लेकिन स्वतः गति नहीं करती। तो वास्तव में जीवों के आधार पर
मैं यहां लिख सकता हूं जीव के आधार पर कितने प्रकार की है भाई गति, दो प्रकार की। पहली तो है आपकी स्वेच्छ गति, सेल्फ मोशन, जिसमें वस्तु खुद गति करती है, और यह होती है किसमें भाई, सजीवों में, ठीक है। दूसरी चीज है आपकी सापेक्ष गति, यानी ये किसी पे डिपेंडेंट मोशन है, किसी दूसरे पर निर्भर कर रही है, जैसे कि निर्जीव वस्तुएं करती हैं, ये दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड ये आपके सामने है, आप इसको 10 दिन बाद देखें, 20 दिन बाद देखें, ये तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक कि इसको कोई दूसरा अपने साथ नहीं ले जाएगा, चाहे फिर वो हवा ही क्यों ना हो। भाई हवा चलेगी तो इसके ऊपर बल लगेगा, यानी इसने उसके सापेक्ष गति की है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो वस्तुएं स्वेच्छ गति करती हैं वो सजीवें हैं, और जो सापेक्ष गति करती हैं वो आपके निर्जीव वस्तुएं हैं। तो गति के दो प्रकार तो हो गए भाई जीवों के आधार पर। अब गति के और भी तरीके से प्रकार हो सकते हैं, कैसे, देखिए भाई ये तो हुआ जीवों के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि गति का पथ के आधार पर कैसे विवरण दे सकते हैं। मैं लिख सकता हूं नंबर दो, पथ के आधार पर, यानी वस्तु किस रास्ते पर चल रही है, वस्तु कौन से रास्ते पर चल रही है, यह भी गति के प्रकारों में आता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु, पहला, सरल रेखीय गति कर रही है, सरल रेखीय का मतलब उसका जो पथ है भाई वो कौन सा है, सरल रेखा में है, सीधी रेखा में गमन हो रहा है। जैसे हम चलते हैं कार, बस, ट्रेन, ये सभी चीजें कौन सी रेखा में गमन करती हैं भाई, सरल रेखा में गमन करती हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या कह सकते हैं, सरल रेखीय गति, सिंपल मोशन, ठीक है भाई, सरल रेखीय गति पहला हो गया, सिंपल लीनियर मोशन। और दूसरा बात करें तो भाई ध्यान रखना, मैं सरल रेखीय गति को आपको बता चुका हूं क्या था, कि ऐसी वस्तुएं जो सरल रेखा में गति करती हैं उनके द्वारा की गई गति सरल रेखीय गति है। जैसे भाई मनुष्य की गति, ठीक है, जैसे किसी भी वाहन की गति, ये दो उदाहरण आप याद कर सकते हैं, कोई भी वाहन हमेशा सरल रेखीय पथ पर ही मोशन करता है। दूसरी चीज हम करते हैं भाई घूर्णन गति, घूर्णन गति ये क्या होती है, इसका दूसरा नाम भी आप ले सकते हैं वृत्ताकार गति, दूसरा वृत्ताकार गति। इससे तात्पर्य है भाई जब भी कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर गमन करती है, जैसे भाई ये रहा आपका कोई बिंदु, इसको मैं अक्ष मान लेता हूं, और इसके चारों ओर इस तरीके से निश्चित वृत्ताकार पथ पर अगर गमन करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कह देते हैं, वृत्ताकार गति या घूर्णन गति। जितने भी आपके पास ग्रह हैं, पृथ्वी है, सूर्य है, ये सब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, ये सारे के सारे ग्रह कैसी गति करते हैं भाई, घूर्णन गति करते हैं ग्रह। और आपके वाहन का पहिया जो है, आपकी साइकिल का पहिया जो है, आपके जो पंखे हैं, ये सब अक्ष के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार गति करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं पहिया, तो पहिए में आप जितनी भी गोल घूमने वाली चीजें हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी गति होती है भाई पथ के आधार पर, अंतिम भी बोल सकते हैं, तीसरी है कंपन गति, कंपन, या दूसरा प्रकार भी कह सकते हो इसे दोलनी गति। ये तो हुआ भाई सरल रेखीय गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हुआ आपका घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, और ये हुआ आपका कंपन गति, दोलनी गति, यानी पेंडुलम वाली गति, ऑक्सिलेशन मोशन। कैसे, देखो भाई कंपन या दोलनी गति से तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु किसी निश्चित पथ के इर्द गिर्द दोलन करे, वृत्ताकार नहीं, इर्द गिर्द दोलन करे। जैसे ये रहा माध्य स्थिति, अगर कोई वस्तु को इस तरह लटकाया गया है, ये कोई वस्तु है जिसे बिंदु ए से स्थिर किया गया है और इसे यहां तक ले जाके बी बिंदु तक ले जाके छोड़ दिया जाए, तो ये इस तरीके से मोशन करती है भाई। जैसे आपके झूले की गति, झूला वास्तव में एक माध्य स्थिति के लेफ्ट और राइट दोनों ओर गति करता है, इर्द गिर्द गति, और यही गति तुम्हारी कहलाती है कौन सी गति भाई, कंपन या दोलनी गति।
तो गति का वह प्रकार आप कह सकते हैं जिसमें वस्तु माध्य स्थिति के, ये रहा माध्य स्थिति, इसके इर्द गिर्द दोलन करती है, तो ऐसी गति कहलाती है आपकी कंपन या दोलनी गति। उदाहरण लिख सकते हो भाई, यहां लिख देता हूं उदाहरण। पहला उदाहरण तो आप ले सकते हो क्या, बिल्कुल सही, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक की गति, जैसे आपके पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं, वो भी वास्तव में किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही दोलन करती हैं। और नंबर दो आपके झूले की गति, झूले की गति ये भी आपके कौन सा मोशन है भाई, कंपन या दोलनी गति ही है। तो इस प्रकार तीन प्रकार की गतियां तो आपके सामने लिख दी हैं। अब चलते हैं आगे, आपने दो आधारों पर गतियां पढ़ ली हैं भाई, पहला तो जीवों के आधार पर, दूसरा अपने पथ के आधार पर। क्या इसके अलावा भी गतियों के प्रकार होते हैं? तो जवाब होगा हां। कैसे? देखो, इसके अलावा गतियों के प्रकार होते हैं भाई, नंबर तीन, विमाओं के आधार पर, विमाओं या अक्षों के आधार पर। लिख सकते हो आप, अक्षों या विमाओं के आधार पर। कैसे? देखो भाई, हमारे पास कुल तीन ही अक्ष हम पढ़ते हैं, या तो एक्स अक्ष या एक्स और वाई दो अक्ष, या एक्स वाई और जेड तीन अक्ष होते हैं। तो सबसे पहले होता है एक विमीय गति, गति का विमाओं के आधार पर वर्गीकरण, एक विमीय गति यानी 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। आप पढ़ते आ रहे हैं 1D, 2D, 3D, तो अभी तक हमारे पास 3D ही विकसित हैं। तो पहला है एक विमीय गति, यानी गति का वह प्रकार जिसमें कोई वस्तु केवल एक ही विमा में गति करती है, एक ही अक्ष की ओर गमन करती है, एक बार में एक ही अक्ष की ओर, वही कहलाती है तुम्हारी एक विमीय गति। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु केवल एक्स अक्ष की ओर गमन कर रही है भाई, तो ये कौन सी गति हो जाएगी? 1D मोशन। जैसे कोई कार मान सकते हो भाई, कोई व्यक्ति मान सकते हो, ये सभी 1D में मोशन करते हैं, ठीक है। मनुष्य की गति भी 1D मोशन में आती है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है, बताइए निम्न में से 1D यानी एक विमीय गति का उदाहरण है, तो आप कह सकते हैं मनुष्य की गति, किसी वस्तु की सरल रेखा में गति, या कार, वाहन, साइकिल, जो भी है उस सब की सीधी रेखा में मोशन। कौन सी गति है भाई? 1D मोशन है। नंबर दो, द्विविमीय गति। इसके उदाहरण भी लिख देते हैं पहले वाले के भाई, एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे कार, मनुष्य इत्यादि, इनकी जो गतियां हैं वो कौन सी है भाई? एक विमीय गति है, 1D मोशन है। अब बात करते हैं 2D में, यानी 2D मोशन, द्विविमीय गति। इसमें क्या है? देखो भाई, यहां तो वस्तु केवल एक अक्ष में गमन कर रही थी, यहां एक साथ वस्तु दो जगह पर घूमती है, यानी एक्स अक्ष में तो चलती ही है, साथ में वाई अक्ष की ओर भी गमन करती है। इस तरीके से एक्स और वाई दोनों जगह पर। क्या आपने ऐसी कोई वस्तु देखी है जो एक साथ ही दो रोटेशन करती है? क्या? बिल्कुल सही, जैसे आपकी पृथ्वी, या उसके अलावा भी कोई ग्रह हो सकता है। पृथ्वी क्या करती है भाई? वो सूर्य के चारों ओर दो चक्कर लगाती है। ये रही आपकी पृथ्वी और ये भाई सूर्य। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दो चक्कर लगाती ही है, यानी एक मोशन तो उसका हो गया सूर्य के चारों ओर वाला, और दूसरा मोशन वो खुद के अक्ष पर भी घूमती है भाई, घूमती है ना अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर, तो दो मोशन हुए किसके भाई? पृथ्वी के। इसके अलावा आप अन्य ग्रह भी कह सकते हैं जो भी क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं खुद के अक्ष पर भी और साथ ही में सूर्य के चारों ओर, तो एक साथ दो मोशन। अंतिम कौन सा है भाई? एक विमीय हो गया, द्विविमीय हो गया, अब आएगा त्रिविमीय गति, एक साथ तीन विमाओं में गति। देखिए, नंबर तीन है भाई 3D, हिंदी में आप लिख सकते हो त्रिविमीय गति। इसमें क्या होगा? अरे भाई, कोई वस्तु अगर एक साथ तीन विमाओं में गति करे,
एक्स अक्ष की ओर भी चल रही है, वाई अक्ष की ओर भी गति हो रही है और जेड अक्ष की ओर भी गति हो रही है। कुछ इस प्रकार से एक्स वाई और जेड, ये जेड अक्ष वास्तव में बाहर की ओर है इस प्रकार। तो यहां पर अगर कोई वस्तु एक साथ तीन अक्षों में यानी स्वतंत्र रूप से, तीन अक्ष का मतलब हो गया भाई ऊपर भी जा सकती है, लेफ्ट राइट भी जा सकती है और इस तल के बाहर की ओर भी गति कर सकती है ऊपर और नीचे, तो इस प्रकार की गति होती है त्रिविमीय गति। कौन करता है ऐसी गति? बिल्कुल सही, आपके जो वायुयान होते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हो जितने भी वायुयान एरोप्लेन्स, उनकी गति कैसी होती है भाई? स्वतंत्र गति होती है, वो तीनों दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही आपकी पतंग की गति, आपके पक्षियों की गति, ये तीनों किस प्रकार की गति है भाई? आपकी त्रिविमीय गतियां हैं। तो आ गया समझ में, एग्जाम में आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि निम्न में से त्रिविमीय गति का उदाहरण है, तो आप ध्यान रखें वायुयान, पतंग और आपके पक्षियों की गति कौन सी है? त्रिविमीय गति। तो इस प्रकार आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा भाई? देखो सबसे पहले तो आपने पढ़ा था एक नंबर पे किसके आधार पर गति, जीव के आधार पे गति। नंबर दो आपने ये पढ़ा है किसके आधार पे, विमाओं के आधार पे गति। और नंबर तीन आपने इससे पहले पढ़ा था पथ के आधार पर गति। तो इस प्रकार आपने तीन प्रकार की गतियों का बड़ी ही आसानी से अध्ययन कर लिया। ये गति की सबसे पहली क्लास है तो इसको छोटा रखा गया है, इसके बाद अगली क्लासें भी आप देखते रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।